ओके सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द केस रिलेटेड टू एनीमिया बेसिकली एनीमिया क्या होता है हमारे पास एनीमिया इज़ द डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ आरबीसी मैस और हीमोग्लोबिन विद रिस्पेक्ट टू द एज एंड जेंडर ठीक है एनीमिया डिफरेंट टाइप्स का होता है ठीक है अब इस केस में हम डिफरेंट सिम्टम्स और के uh, और इफ़ेक्ट्स को देखते हुए हम ये देखेंगे कि कौन सा एनीमिया है पेशेंट को सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड गर्ल प्रेजेंटेड टू ओ पी डी विद द कम्पलेंट्स ऑफ़ फटीक एंड लॉस ऑफ़ स्टेमिना फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स ठीक है अच्छा गर्ल है और उसका ऑन सेट का हुए हुए अभी कुछ ही ईयर्स uh, हुए हैं और उसे फटीक और लॉस ऑफ स्टेमिना की कम्पलेंट्स हैं ठीक है यहाँ से हम एक बार डिटेक्ट ये कर सकते हैं बॉडी में जब किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे पास अमूमन क्या होता है कि हमें वीकनेस या लॉस ऑफ स्टेमिना जो है वो फ़ील हो रहा होता है ठीक है एनर्जी लेवल डाउन स्पेसिफ़िकली हमारा कब होता है जब किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है ठीक है तो हो सकता है कि इसे किसी चीज़ की डेफ़िशेंसी की वजह से एनीमिया हुआ है ठीक है अगर हम बात करें एनीमिया की तो हीमोग्लोबिन के कम होने या ज़्यादा होने की वजह से भी एनीमिया होता है आरबीसी के कम होने या ज़्यादा होने की वजह से भी एनीमिया होता है इसी तरह आयरन डेफिशिएंसी रिलेटेड एनीमिया भी हो सकता है या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी यानी विटामिन बी ट्वेल्व और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की, की वजह से भी एनीमिया हो सकता है तो अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली इसको एनीमिया है भी या नहीं दूसरा ये कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से ठीक है हर मंथली मेंस्ट्रुअल फ्लो वॉज ऑलवेज हैवी एंड लॉन्ग सिंस इट्स ऑनसेट एट ट्वेल्व ईयर्स ऑफ एज ठीक है अच्छा अब दूसरा जो एग्ज़ामिनेशन की सेल्फ एग्जामिनेशन में दूसरी जो बात पता चली वो ये है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो हैवी है तब से जब से प्यूबर्टी का स्टार्ट हुआ है ठीक है डैट मीन्स के एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है ठीक है Uh, जब से अब देखें ट्वेल्व ईयर से स्टार्ट हुआ है और अब सिक्सटीन ईयर्स के वो ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन पाँच ईयर से पाँच सालों से जब भी उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो हैवी होता है डेट मीन्स के एक्सेसिवली ब्लड लॉस हो चुका है और अभी भी हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो गया कि डेफिशियसी हो गई बॉडी में एक तो आर की भी हीमोग्लोबिन की भी डेफ़िशियंसी हो गई और और भी जो रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स हैं रिलेटेड टू द ब्लड उनकी डेफिशिएंसी हुई है ठीक है क्यों आर बी सी और हीमोग्लोबिन के तो समझ में आती है ना बाद के ब्लड निकल रहा है तो ब्लड से ऑब्वियसली जो कॉन्टेंट्स है आर बी सी और हीमोग्लोबिन के वो भी निकल रहे हैं साथ ही साथ हमारी बॉडी में आयरन या कोई भी विटामिन बी ट्वेल्व या फॉलिक एसिड ये भी हो सकता है इस आउट हो रहे हैं क्युं? क्यों क्योंकि जब एक्सेसिव लॉस हो रहा है तो ब्लड के साथ वो भी बॉडी से जो है रिलीज़ हो, हो रही है जिसकी वजह से बॉडी में उनकी डेफिशेंसी हो रही है ठीक है तो अब हमें एक ये बात पता चल गई कि उसे एनीमिया हो सकता है दूसरा ये कि आ, आ, जो है किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया ठीक है ब्लड कम है इसमें हीमोग्लोबिन कम है ठीक है तो इसे एनीमिया है ये हमें पता चल गया है अब हम देखते हैं कि डेफिशिएंसी किस चीज़ की है ठीक है ब्लड और हीमोग्लोबिन की तो पता चल गई है अब हम ये देखते हैं कि आ, बाकी किसी कॉम्पोनेंट की भी डेफिशिएंसी है कि नहीं ठीक है क्लिनिकल एग्जामिनेशन शोज़ पेलर ऑफ स्किन नेल्स एंड कंजकटाइवा अच्छा इन चीज़ों से भी यह बात कन्फर्म होती है कि एनीमिया है हम अगर आ, देखें स्किन और नेल्स को स्किन स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन के दौरान हम पाम के देख रहे होते हैं ठीक है थीके? तो नॉर्मल जो पिगमेंट होता है डैट इज़ पिंकिज ठीक है डेट रिप्रजेंट्स द नॉर्मल ब्लड कॉन्टेंट एंड नॉर्मल ब्लड फ्लो इन द बॉडी ठीक है तो और कंजक्टाइवा कंजक्टाइवा मीन्स द एपीथीलियर टिश्यू लाइनिंग द आईलेट ठीक है तो अगर हम ये देखते हैं नॉर्मली हमारे पास रेड लाइन होती है ठीक है डेट रिप्रेजेंट नॉर्मल जो है वर्स्क्यूलेचर एंड नॉर्मल ब्लड फ्लो ठीक है लेकिन इस केस में ये पेल है पेल का मतलब है कि येलो कलर है ठीक है येलो तभी होगा जब हमारे पास नॉर्मल जो ब्लड फ्लो नहीं है क्यो, फ्लो क्यों नहीं है क्योंकि नॉर्मल जो क्वांटिटी है ब्लड की वो बॉडी में प्रेजेंट ही नहीं है ठीक है क्योंकि इस केस में एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी से अब नेक्स्ट है कि कोलोनाइका इज आल्सो सीन कोलोनाइका क्या होता है कोलोनाइका इज आल्सो नोन एज स्पून नेल्स ठीक है नॉर्मल जो शेप होती है नेल्स की वो क्या है कन्वेक्स है ठीक है लेकिन क्या होता है कि इसमें इरेगुलर शेप्स जो है वो बन जाती हैं कन्वेक्सटी लूज हो जाती है नेल्स की और स्पून शेप के नेल्स बन जाती हैं और कोलोनाइका इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ठीक है ये बात याद रखने वाली है तो इस पॉइंट पे आते आते हमें सेल्फ एग्जामिनेशन में ये बात तो पता चल गई कि एनीमिया है और इसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ठीक है इसको कंफर्म करने के लिए हम लेबॉर्ट्री टेस्ट भी करवाएंगे ब्लड सैंपल का ठीक है अच्छा सेल्फ एग्जामिनेशन से हमें क्या क्या पता चला था फटीक और लॉस ऑफ स्टेमिना है नंबर वन जिसकी वजह से किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है नंबर टू इज द मेंस्ट्रुअल फ्लो वाज आल्सो हैवी एंड लॉक सिंस इट्स प्यूबर्टी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी तो जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा था ब्लड भी कम है आर भी कम है हीमोग्लोबिन भी कम है ठीक है इसके अलावा जो है पेल थे स्किन नेल्स और कंजेक्टाइबा ठीक है आ, अगेन एनीमिया का सिम्टम और कोलोनाइका इज़ आल्सो सीन आ, के आ, जो है हमारे पास क्या था कि नॉर्मल जो शेप नहीं थी नेल्स की और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ठीक है ये इन चार सिम्टम से हमने ये चार चीज़ें आ, जो है कंक्लूड कर ली अब हम इस जो लेबॉर्ट्री की जो एग्ज़ामिनेशन है उसको देखते हैं अच्छा जी जो रेड ब्लड सेल का काउंट है वो फीमेल में नॉर्मल कितना होता है 4.7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ठीक है रेफरेंस वैल्यूज़ अमूमन साथ लिखी होती हैं बट स्टिल वी हैव टू रिमेंबर देम ठीक है, है? क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में या वाइबा में भी पूछा जा सकता है वैसे भी पता होना चाहिए ठीक है तो आर काउंट नॉर्मली इतना होता है ठीक है फोर से 5.1 मिलियन तक जो है वेरी कर सकता है तो इस इस केस में इस बच्ची का जो है वो नॉर्मल आर काउंट कितना है 2.8 ठीक है लेस देन दी नॉर्मल ठीक है वो तो हमें ऊपर ही से पता चल रहा है कि ब्लड लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आर कम होंगे हीमोग्लोबिन का नॉर्मल कंटेंट 12 टू फिफ्टीन ग्राम पर डे होता है इन द फीमेल्स लेकिन यहाँ पे 10 है अगेन डेफिशिएंसी या हीमोग्लोबिन की हिमाटोक्रेट मीन्स द कंटेंट ऑफ आर टोटल आर इन द ब्लड ठीक है जैसे पैक्ट सेल वॉलीम भी कहते हैं तो नॉर्मल ये फीमेल्स में फोर्टी होता है ठीक है लेकिन यहाँ पे कितना है थर्टी अगेन हमें ये बात पता चल गई कि आर कम है हीमोग्लोबिन कम है और हमारे पास जो है आ, इन चीज़ों की डेफिशेंसी है ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट एम सी वी अच्छा एम सी वी एम सी एच और एम सी एच सी आर डी डब्ल्यू ये जब ब्लड सेल इंडेसेस पढ़ते हैं हम तो उसमें ये सारी चीज़ों को देखते हैं ठीक है तो एम सी वी बेसिकली क्या बता रहा है हमारे पास मीन uh, कर्पस्कुलर या मीन सेलुलर वॉल्यूम बेसिकली क्या बता रहा होता है कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम या शेप कितना है जो ब्लड सैंपल हमारे पास प्रेजेंट है उसमें आया नॉर्मल शेप है आर बी सीज़ का या नहीं है ठीक है तो नॉर्मल uh, ये होता है एटी टू नाइन्टी सिक्स फेमटोलीटर ठीक है नॉर्मल वैल्यूज़ इतनी होती हैं अगर इससे कम होगा तो हमारे पास आर अपने नॉर्मल साइज़ से कम होगा और उसको हम माइक्रोसाइटोसिस उस कहेंगे और अगर इस वैल्यू से ज़्यादा होगा तो उसको हम मैक्रोसाइटोसिस उस कहेंगे ठीक है अच्छा ऊपर इस तरह का जब टेबल हो ठीक है ऊपर हमें यह बात पता चल चुकी है कि आर बी सीज कम है वगैरह सब कम है ठीक है तो यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी मैक्रोसाइटोसिस या जो है आ, हाइपरक्रोमिक uh, नहीं होगा ठीक है हाइपरक्रोमिक बताती हूँ क्या होता है बल्कि डेफिशिएंसी होगी तो अब यहाँ पे देखो वैसे भी सेवेंटी है यानी कम है इससे पता चल रहा है कि हमारे पास आर का साइज कम है ठीक है uh, क्या है हमारे पास माइक्रोसाइटोसिस है अगर इस तरह ना भी पता चल रहा हो ना तो अगर ऊपर देखो आर का काउंट भी कम है हीमोग्लोबिन भी कम है हीमोग्लोबिन आर के अंदर ही प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन कम है तो uh, जो स्पेसिस हैं राइबात है वो श्रिंक हो जाएंगी आरबीसी का साइज भी कम हो जाएगा वॉल्यूम भी कम हो जाएगा क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है इस वजह से क्या होगी माइक्रोसाइटोसिस होगी ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट एम सी एच एम सी एच मेन जो है वो कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन ठीक है जितना जो ब्लड सैंपल है उसमें जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो देख रहे होते हैं नॉर्मल के 27 सेवन टू थर्टी पीकोग्राम्स होती है लेकिन इस केस में ये 23 है ठीक है अच्छा जी नॉर्मल से ये कम होगी तो हमारे पास आ, क्या होगा कि हाइपोक्रोमिक होगा ठीक है यानी हीमोग्लोबिन कंटेंट जब सेल में कम हो तो हम उसे क्या कहते हैं हाइपोक्रोमिक और अगर इस वैल्यू से ज़्यादा होगी तो इसका क्या मतलब होगा कि सेल क्या होगा हाइपर क्रोमिक यानी हीमोग्लोबिन मोर देन दी नॉर्मल अमाउंट प्रेजेंट है ठीक है, है तो मैंने अगेन ही कहा था कि ज़्यादा नहीं है सारे कॉजेज और सारी चीज़ें यही बता रही हैं कि डेफिशेंसी है ठीक है अगर एम सी एच देख के भी पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है तो हीमोग्लोबिन को देख लो और ठीक है हीमोग्लोबिन को देख लो वो कम है तो डैट मीन्स के क्या है हाइपोक्रोमिक है सेल ठीक आर क्या है हाइपोक्रोमिक है यानी उसमें हीमोग्लोबिन कम है मोर दी नॉर्मल लेस देन दी नॉर्मल वैल्यू देन एम सी एच सी ठीक uh, है हमारे पास क्या बता रहा होता है uh, ये बेसिकली क्या बता रहा होता है कि एक आर के डिफाइंड यूनिट वॉल्यूम में कितना हीमोग्लोबिन है ठीक है एम सी एच हम पूरे ब्लड uh, सैंपल के हवाले से बात कर रहे होते हैं हीमोग्लोबिन की और एम सी एच सी आर के एक यूनिट वॉल्यूम के हवाले से हीमोग्लोबिन की बात कर रहे होते हैं तो ये नॉर्मल हमारे पास थर्टी टू थर्टी फाइव ग्राम पर डेसीलीटर है जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं लेकिन इस केस में भी ये कम है थर्टी है ठीक है अगर एन नॉर्मल वैल्यू से कम होता है तो सेल क्या होगा हाइपोक्रोमिक माइक्रोसेटिक और अगर इस वैल्यू से ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा हाइपरक्रोमिक एंड माइक्रोसेटिक ठीक है तो अब इस केस में क्या है कम है तो डैट मीन्स सेल क्या है आ, हमारे पास आ, किस फॉर्म में है माइक्रोसिटिक है और हाइपोक्रोमिक है ठीक हो गया ये बात पता चल गई देन सीरम आयरन सीरम आयरन जो है नॉर्मल सिक्सटी टू वन फिफ्टी होता है ठीक है अब यहाँ पे असल बात पता चलेगी हमें ब्लड और हीमोग्लोबिन का तो पहले ही पता चल गया था कि वो कम है कोलोनाइका से हमें ये शक हुआ था कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो अब पता चलेगा कि क्या है क्या, है, क्या नहीं सीरम आयरन की नॉर्मल वैल्यू सिक्सटी टू वन होती है नॉर्मल लेकिन यहाँ पर क्या है नाइनटीन कम है बहुत ही कम है ठीक है तो अब ये पता चल गया आयरन का लेवल कम है और इसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी नॉर्मल 250 फिफ्टी टू फोर थर्टी फाइव है यहाँ पे फोर टू है अच्छा हाई है अच्छा अब सवाल एक उठता है कि यहाँ पे हाई कैसे हो गई हाई इस वजह से होगी कि जब नॉर्मल आयरन का जो लेवल होता है ठीक है आई गेस फ़ोर टू फाइव ग्राम्स होता है नॉर्मल जो आयरन है बॉडी में ठीक है इतना आयरन प्रेजेंट नहीं है बॉडी में ठीक है तो क्या होगा कि जो आयरन की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी ताकि मोर आयरन जो है वो बाइंड कर सके और मोर आयरन की जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके ठीक है इसीलिए जो है बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है जब कोई चीज़ कम होती है अगर आप एग्जांपल लो अभी मेरे जहन में एक एग्ज़ैम्पल आई थी हाँ जैसे हमारे पास जब हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है इनकी कैपेसिटी स्ट्रॉ होती है लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास टिश्यूज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन की डेफिशेंसी हो जाती है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन को फौरन से रिलीज कर देता है और क्या होता है कि जो है वो सी ओ टू अटैच हो जाता है ठीक है और अगेन फिर क्या होता है कि जब लेवल्स जो है वो नॉर्मल होते हैं तो अगेन ये बाइंड कर जाता है ठीक है ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है तो जब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में कम होगा तो हीमोग्लोबिन मोर एंड मोर उसे जो है बाइंड करने की कोशिश करेगा ताकि वो है जो टिश्यूज़ जहाँ पे डेफिशिएंसी है वहाँ पे ये डिलीवर कर सके ऑक्सीजन को तो इसी तरह इस केस में है कि जो आयरन है वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी कम है इस पेशेंट के केस में ठीक है तो बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होने का मकसद यही है कि जितने जहाँ से भी आयरन आ रहा है जितना अवेलेबल आयरन है उसको बाइंड करके ये बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवा सके ठीक है इसी वजह से आयरन डेफिशिएंसी में वाद एक चीज़ है आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो ज़्यादा होती है फेरेटिन फेरेटिन हमें पता है कि स्टोरेज आयरन है जब हमारी बॉडी में आयरन ट्रांसपोर्ट हो जाती है मुकम्मल तो जो एक्स्ट्रा आयरन है वो फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है ठीक है तो फेरेटिन इज़ द स्टोरेज आयरन और ये भी इस केस में कम है ठीक है डेट मीन्स के अगेन ये हमें बता पता चल रहा है कि आयरन डेफिशेंसी एनीमिया हुआ है then suggested treatment for this patient of iron deficiency anemia included uh, ferrous sulfate or ferrous uh, gluconate for 6 months a well balanced diet was also suggested as well as a uh, gynecological examination theek hai na तो आयरन डेफिशिएंसी के नीमिया हमें डिटेक्ट हो गया उसके लिए फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट दिया ठीक है और अगेन यही है कि वेल बैलेंस डाइट जारी बात है उसे खाने के लिए हम सजेस्ट करेंगे जो कि जिसमें आयरन ज़्यादा होता है ठीक है और एज वेल एज गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्योंकि क्योंकि उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है बहुत ज़्यादा था अगर फर्दर भी ये कंट्रोल नहीं हुआ तो बहुत डेंजरस लेवल पे जो है ब्लड लॉस हो सकता है आयरन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ब्लड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ठीक है तो उसको कंट्रोल करने के लिए गायनाकोलॉजिकल एग्जामिनेशन दी है तो इस तरह जो है हम डिटेक्ट करते हैं सैम्पल से और सेल्फ एग्जामिनेशन पहले कहते हैं देन सैम्पल से ये डिटेक्ट करते हैं कि किस टाइप का एनीमिया है ठीक है